जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, सारी संगत जी का शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही अपनी संगत बनाए रखना, ऐसे ही सबको अपनी सेवा में लगाए रखना, सेवा सत्संग और सिमरन की घड़ियाँ सारी संगत को ऐसे ही बख्शना। गुरु जी आते हैं, बहुत सारी खुशियाँ लेके आते हैं। गुरु जी तो हमारे साथ ही रहते हैं, पर जब स्पेशल हम बुलाते हैं गुरु जी को तो एक अलग ही वो उत्सव होता है घर में हमारे। और अभी तो वैसे भी रामलला के आने का भी अभी तो वही खुमार नहीं उतर रहा सबके मनों से, और कितना अच्छा लग रहा है कि कितना दिवाली मनाई जा रही है पूरी दुनिया में। और कहते हैं ना कि गुरु में ही राम है, गुरु में ही कृष्ण है, गुरु में ही वाहेगुरु, सब एक ही निरंकार की ज्योत है। नाम सबके अलग अलग हैं, सूरज की किरणें अनेक हैं, पर सूरज रोशनी तो सबको एक तरह से बराबर ही देते हैं। और उनकी किरणें जो हैं वो अलग अलग जगह, अलग अलग देश, हर धरती पे अलग अलग तरीके से टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं। पर जो गुरु जी हैं ना हमारे, वो बहुत ही इतने प्यारे, और क्या ही बोले हम अपने गुरु जी महाराज के लिए कि जब गुरु जी जीवन में आ गए। कहते हैं जब कोई भी गुरु, सच्चा गुरु, कोई महापुरुष जब हमारे जीवन में आ जाता है जो हमें असली ज्ञान देते हैं। ऐसे नहीं कि गुरु जी ने कभी कोई ऐसे ज्ञान नहीं बांटा, गुरु जी तो बोलते ही नहीं थे, बहुत कम बोलते थे गुरु जी, बस बहुत ही कम हंसते थे, बहुत मतलब हंसते तो रहते थे, बात नहीं करते थे, दो चार लाइन बोलते थे पंजाबी में कि आया करो मंदिर, आया करो आंधे रहा करो, जा तेरा कल्याण कीता, ऐश कर, यही कहते थे बस, चिंता छड़ दे मैं हूँ ना, उनके यही थोड़े से शब्द थे। और आज भी गुरु जी हम सबका कल्याण कर रहे हैं, पर हम लोग कितने नाशुक्रे हैं कि हम अपने गुरु को हम जीते जी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें कौन सा रब मिल गया, हमें कौन सा ऐसा भगवान धरती पे आ गए हैं कि जिन्होंने हमारे जीवन को एक नई दिशा दे दी है, एक नया मोड़ दे दिया है। जो हमारे जीवन में इतने कांटे ही कांटे बिखरे हुए थे, जो दुखों से हम भरे हुए थे, परेशानियों से हम भरे हुए थे, सारे परेशानियां उन्होंने अपने ऊपर ले ली, कष्ट ले लिए और सुख ही सुख हमें दे दिए। कई लोग बोलते हैं जब मैं सत्संग शेयर करती हूँ कि आंटी बहुत बोलती हैं कि सुख ही सुख दिए, लगता है आपको ही सारे सुख दिए, हमें तो सुख नहीं मिला। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं मुझे कि आप हमेशा सुख शेयर करते हो, क्या आपको कभी कोई दुख नहीं दिया? पर ऐसा नहीं है, हम कोई भगवान थोड़ी ना, हमें भी तो भगवान दुख देते हैं, हमारी भी बहुत सारी परीक्षाएँ होती हैं, हमारे भी कष्ट होते हैं, लेकिन हमें ये हुक्म ही नहीं है कि हम अपने कष्ट और अपने दुख शेयर करें। हम वो शेयर करते हैं जो मालिक ने, दुख तो कितने ही हैं, आज आप बताने बैठ जाओगे दुखों की गिनती नहीं है, कष्टों की तो गिनती नहीं है। बचपन से लेके एक उम्र आ गई है कि सोचो कि हमारा रोज एक दिन नया दुख, एक नया सुख, ये दो गाड़ी के पहिए हैं। पर अगर हम अपने दुख सुनाएंगे ना लोगों को, तो भगवान के ऊपर से भरोसा उठ जाता है, तो उनको लगता है कि ये तो इतना दुखी है, इधर से तो ये कहते हैं कि मैं गुरुजी को मानती हूँ, इधर से ये कहती हैं कि मुझे गुरुजी ने इतना दिया, फिर इधर से अपने दुख शेयर करती हैं। तो गुरुजी ने ये हुक्म नहीं दिया, उन्होंने कहा दुख सुनने के लिए तुम्हारे मैं हूँ, जो तुम्हें सुख दिए हैं वो तुम दुनिया को सुनाओ। क्योंकि गुरुजी ने अपने ऊपर सारे जब हमारे कष्ट ले लिए, तो हम फिर क्यों ना उनका शुक्राना करें, तो हम क्यों ना करें कि हम लोगों का भरोसा गुरुजी के ऊपर और ज़्यादा बढ़े। हमें विश्वास को, परमात्मा, कोई भी परमात्मा, कोई भी वाहेगुरु, कोई भी राम, किसी भगवान को मानते हो, कृष्ण, माता रानी, जितने भी देवी देवता हैं, हर एक का अपने इष्ट पे बहुत बड़ा भरोसा होता है संगत जी। और अगर वो भरोसा हम हमेशा सबको दिखाएंगे ना, तो गुरु हमारी माँ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर हम दुनिया के सामने खड़े होके अपने सत्संग ये शेयर करेंगे कि हमारा ये नहीं खत्म हो रहा, हमारा वो नहीं काम बन रहा, तो संगत का विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। तो संगत का विश्वास कभी ना डगमगाए, इसीलिए गुरु जी ने कहा सत्संग और शुक्राने शेयर किया करो। और जब आपको ब्लेसिंग मिल जाती है तो वो ज़रूर शेयर किया करो। हाँ, उस समय आप ये बता सकते हो कि मुझे ये बीमारी थी या मुझे ये दुख था जो मेरे महाराज ने, मैं उनसे मिली और मैं उनसे मिला और मुझे मिलते ही उन्होंने मेरे सारे दुख हर लिए, क्योंकि वो हरजी हैं। हरजी आए, हरजी आए, छड सिंहासन हरजी आए, वो अपना सिंहासन छोड़ के आपके घर में आके विराजमान हो जाते हैं, आपके घर के छोटे से सिंहासन में वो आके बैठ जाते हैं। कहाँ वो बैकुंठ को छोड़ के आज यहाँ है, तो कल पड़ोस के किसी और घर में हो रहे होंगे, उस समय तो उस समय कहीं अमेरिका में होंगे, कहीं कनाडा में होंगे, हर जगह गुरु जी की ज्योत जग रही होती है और वो हर जगह दर्शन देते हैं। ऐसा मालिक, ऐसा शिव, ऐसा भगवान हमें जीते जी मिल गया। अनंतम अनंतम उनका शुक्राना किया करो और उनकी
सेवा में जो भी उन्होंने सिखाया, उनका डिसिप्लिन, उनका जो यहाँ लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद आपको मिलता है, वो मत सोचा करो कि परिवार में जैसे किसी ने, आंटी ने कहा कि मेरे बच्चों ने कभी चाय नहीं पी, तो मैंने बोला कोई बात नहीं आज वो पी लेंगे, तो वो दवाई है। वो महाराज ने, मेरे बच्चे भी पहले चाय कभी नहीं उन्होंने पी है, वैसे भी नहीं वो चाय पीते हैं, लेकिन जब महाराज के दरबार में, बड़े मंदिर में, सत्संग में जाते हैं तो वो पी लेते हैं, क्योंकि उनको ये समझाया जाता है कि ये दवाई होती है। और कभी भी वो दवाई गुरु ने हमारे आन से पहले बनाई है, उसे कभी भी ऐसे हाथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता आज हमें कौन सा कष्ट नहीं है, हमें लगता है हम तो स्वस्थ हैं, पर छोटे छोटे बच्चे आप देखो, इतने छोटे छोटे बच्चों को अगले दिन कौन से कष्ट, रिपोर्ट्स खराब आ जाती हैं। तो वो महाराज जो हैं वो हमारा चाय प्रसाद पिला के हमारा वो कष्ट हर लेते हैं, क्योंकि वो हरजी हैं, वो हरने आए हैं, दुख हरने ही तो आए हैं वो। तो जब वो हमारी, हमारे लिए दवाई, उनको पता है आप कब आने वाले हो, उनको पता है आज ये मेरी संगत, आज ये मेरे इतने बच्चे आएंगे इस क्लास में, इतने पेशेंट आज आएंगे, मैंने इनकी दवाई बनानी है। किसी जगह कोई 20 बुलाता है तो 50 आ जाते हैं, कोई 100 बुलाता है तो 10 भी नहीं आते हैं। इसका मतलब गुरुजी ने उन्हीं को बुलाना है जिनको स्वस्थ करना चाहते हैं, जिनको वो अपनी मेडिसिन से रूबरू कराना चाहते हैं कि ये खाओगे तो तुम बिल्कुल कष्टों से मुक्त हो जाओगे। फिर भी हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमें ये प्रसाद नहीं खाना, तो उसको मत मना किया करो, आप चाहे थोड़ा ले लिया करो पर ज़रूर लिया करो। लेकिन फिर गुरुजी ने भी ये भी कहा है कि थोड़ा और ज़्यादा तुम्हारी इच्छा से नहीं होता। कई बार हम कह देते हैं कि अरे इतना सारा मीठा हमें दे दिया, अब किसी किसी को कड़ा प्रसाद दो बार मिल जाता है, किसी किसी को लंगर प्रसाद में मीठा प्रसाद, चार चार लड्डू मिल जाते हैं, चार चार रसगुल्ले मिल जाते हैं, और किसी को एक भी नहीं मिलता, और उसको ही मिलते हैं जिस ज़्यादा जिसको शुगर होती है। वो गुरुजी का अपना तरीका है शुगर को ठीक करने का। कैंसर होता है या अल्सर होता है या कोई भी आपको बड़ी बीमारी अंदर है, पेट में जख्म है, तो आपको खूब सारी मिर्चें खिला देंगे, वो हरी मिर्च आपकी थाली में जरूर आएगी। क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, जब मुझे मिर्चें बिल्कुल मना थी खानी कि खा ही नहीं सकते, डॉक्टर ने बोला अल्सर था पेट में, जख्म थे, टाइफाइड के इतने बड़े बड़े, और मुझे बड़े मंदिर में इतनी सारी मिर्चों वाली सब्जी खाने को मिल गई, जो सी करती रही और संगत सेवादार ने ला के जल प्रसाद दे दिया। पर विश्वास था ना, कि जब विश्वास आ गया कि ये दवाई है, ये चाहे मेरे को मिर्च खिलाएं, चाहे मेरे को मीठा खिलाएं, और मेरी शुगर ठीक करी इन्होंने, मुझे मीठा खिला खिला के इतना, मैं आज इतना जी भर के मीठा खाती हूँ, रह ही नहीं सकती हूँ, आइसक्रीम भी खा लेती हूँ सर्दी गर्मी दोनों मौसम में, जो भी मेरे को मीठा अच्छा लगता है, पर टचवुड है शुगर जब सवेरे टेस्ट करती हूँ तो नॉर्मल आती है, क्योंकि भरोसा था कि मेरा मालिक बैठा है सब ठीक करेंगे। जिस दिन हमारा भरोसा डगमगा जाता है, हम वैसे के वैसे, हम कहते हैं गुरुजी हमें ना 100 सीढ़ियाँ चढ़ाने के लिए तैयार बैठे होते हैं स्वर्ग की, 99 सीढ़ियाँ वो हमें हेल्प करते हैं, कुछ हमारे एफर्ट्स भी होते हैं कि हमने मेहनत करी, कैसे करी, जाप किया, सिमरन किया, नितनेम किया, पाठ में बैठे, ध्यान लगाया, सेवा में गए, तो हमारी 99% सीढ़ियाँ उन्होंने हमारी पार करा दी। लेकिन जब आखिरी 100वीं सीढ़ी आती है संगत जी, तो क्या होता है कि कहते हैं ना कि आप 99% पॉजिटिव हो, लेकिन आपको अगर कोई बीमारी है, बहुत सारे ऐसे केस हैं जो जिनको कैंसर था, जिनसे मैंने बात की, या जिनको डिप्रेशन था, जो उसमें कोमा में थे, ब्रेन ट्यूमर था, तो उनको ये बोला गया कि आप 1% भी आप नेगेटिव नहीं सोचो, क्योंकि आपका 1% नेगेटिव थॉट जो है वो पूरी 99% पॉजिटिविटी को कैंसिल कर देता है। जैसे कि एक वॉल के ऊपर एक डॉट होता है, हम बस उस डॉट को ही देखते रहते हैं, हम ये नहीं देखते कि वो वॉल कितनी सफ़ेद है, वो हमें दिखता रहता है ये मैला है निशान, वही एक नेगेटिव एनर्जी होती है। तो जैसे ही वो संगत इतना पूजा, इतना पाठ, इतना मंत्र जाप, इतना जल प्रसाद के साथ कनेक्ट होते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं, प्रसाद भी खाते हैं और सत्संग में भी जाते हैं, पर घर आने के बाद जब रात को सोने लगते हैं तो उनके मन में ये थॉट आ जाता है, पता नहीं हम कल का सूरज देखेंगे कि नहीं देखेंगे, तो वो सारा किया कराया 99 सीढ़ियों से आप फिर जीरो पे आ जाते हो, फिर आपको उतनी मेहनत दोबारा से करनी पड़ती है। तो हमें कुछ भी, क्योंकि गुरु, अगर गुरु मेरे संग सदा है नाले, वो अगर हमारे साथ हैं तो नेगेटिव सोचना ही क्यों है, जो सोचोगे ना वो हो जाएगा, एकदम पॉजिटिव सोचा करो। मैंने तो यहाँ तक लोगों को, कैंसर के पेशेंट्स को जब बोला कि आप बोलो कि मेरा कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया है, तो उन्होंने बोला हम झूठ बोले, हमने कहा हाँ लोगों से बोलो, रिश्तेदारों से बोलो, पड़ोसियों से बोलो कि भाई मेरे हस्बैंड का कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया है, वो घर आ गए हैं जबकि वो हॉस्पिटल में थे। तो संगत ने कहा कि हम झूठ बोले, मैंने कहा झूठ बोल दो, गुरु का नाम लेके झूठ बोल दो, प्रमाण है।
अब उन्होंने ऐसे ही किया कि जब जितने लोगों को वो बता चुके थे उतने लोग उनको बहुत नेगेटिव एनर्जी भेजते थे, क्योंकि वो जब दिन में कोई फ़ोन आता तो वो पूछते कहाँ है, ये तो हॉस्पिटल में है, क्या हो रहा है, इनकी तो कीमो हो रही है, रोना शुरू हो जाती थी वो आंटी कि देखो ना ये तो ठीक ही नहीं हो रहे, मैं तो इतना सिमरन करती हूँ, मैं तो इतना पूजा पाठ करती हूँ। तो जो सुनता था उनकी बात वो अपने घर में फिर शेयर करता था कि देखो वो कितना यंग बंदा है, उसको कैंसर हो गया, पता नहीं उसकी कब बैड न्यूज़ आ जाएगी। फिर वो और दोस्तों को बताता था, फिर जो उसकी मम्मी थी वो सहेलियों से बताती थी, बहनें थी वो अपने परिवार में ससुराल में, कितनी कितनी मल्टीप्लाई होकर वो नेगेटिव एनर्जी उस बंदे तक हम पहुंचा रहे होते हैं अनजाने में। और जब उन्होंने ये कहा कि मैंने उनको बोला आप झूठ बोल दो कि मेरा हस्बैंड का कैंसर ठीक हो गया है, उन्होंने बोला कैंसर ठीक हो गया, लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए और उन्होंने कहा कैसे हैं वो, तो उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। कहते अच्छा कहाँ हैं, कहते घर आ गए हैं। तो उन्होंने कहा मिलने आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी डॉक्टर ने मना किया है कि अभी नहीं आप आना, थोड़े दिन उनको थोड़ा हमने रखना है, क्योर करना है उनको। अब लोगों के थॉट्स चेंज हो गए, तो उन्होंने उनसे पूछा कि अचानक से कैसे हो गया, कल तक तो एडमिट थे, उनकी कीमो चल रही थी, डायलिसिस चल रहा था, ये था वो था, तुमने कहा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो जैसे ऐसे गुरुजी ने मुझसे बुलवाया था, जो भी सेवा ली उन्होंने, मैंने उनको आंटी को यही बोला था कि आंटी आप ये बोलना कि अब हमारे जीवन में गुरुजी का प्रवेश हो गया है, अब हमारे साथ सारे दुख हमारे कट गए हैं और उनका कैंसर ठीक हो गया है। एज इट इज़ उन्होंने ये बात बोली, जबकि वो पंजाबी भी नहीं थी आंटी, बिल्कुल गुरुजी को नहीं पहले मानती थी, उन्होंने कहीं यूट्यूब पे मेरा सत्संग सुना होगा, तो उन्होंने वहाँ से नंबर लिया। तो उन्होंने जब मुझे बोला, ऐसे ही उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बोला कि अब हमारे जीवन में गुरुजी आ गए हैं, छतरपुर उनका मंदिर है और मैं उनको वहाँ लेके गई हूँ अपने हस्बैंड को, और मैं उनका पाठ करती हूँ, जाप करती हूँ, और उन्होंने मेरे हस्बैंड का कैंसर ठीक कर दिया। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि जब आपने अनजाने में झूठ बोल के मालिक का नाम ही ले दिया, अब मालिक की तो बन आई ना आपके ऊपर लाज, तो कहते हैं ना तेरी लाज जाएगी तो मेरी लाज जाएगी, गुरुजी कहते हैं तेरी लाज क्या जाएगी, पहले तो मेरी लाज जाएगी, नाम तो पहले मेरा ख़राब हो जाएगा। अब गुरुजी को क्या करना है, अब आपने तो उनका नाम, कहते हैं ना बच्चे होते हैं ना माँ बाप के ऊपर डाल देते हैं, मम्मी मेरे को नहीं पता मैं मार आया हूँ एक बच्चे को, आप ही देखो जरा मेरे को बचा लेना, ऐसे होता है ना, या टीचर ने मेरे को ये पनिशमेंट दिया अब वो आपको बुला रहे हैं, अब आप ही देख लेना, ऐसे ही करते हैं ना बच्चे। ऐसे ही हम छोटे से बच्चे की तरह जब ये करते हैं कि गुरुजी अब आप ही देख लेना, तो फिर गुरुजी को आगे आना ही पड़ता है, ना चाहते हुए भी उनको आना पड़ता है, हमारे कर्म बदलने पड़ते हैं, हमारे कर्मों के लेख बदल देते हैं वो, क्योंकि उनके हाथ में हमारी सबकी फाइल्स हैं जो कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्या कब खुली होंगी, वो उन्होंने खोल रखी हैं। वो फाइल में अगर उन्होंने एक सिग्नेचर मार दिया कि अब ये मेरा बच्चा, इसने मेरे पे डोरी छोड़ दिया है, अब तो मुझे ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि इसने तो मेरा नाम ले दिया, उसमें से मैं हट गई हूँ, ना मेरा कोई नाम है कि मैंने आंटी को ऐसा बोला था, ना किसी और संगत का कोई नाम है, ना कोई मीडिएटर है, अब नाम तो हमने ये कह दिया गुरुजी ने कर दिया, तो गुरुजी को करना ही पड़ेगा। तब गुरुजी फिर उस इंसान को ठीक कर देते हैं, और वो उस आंटी का जो 3 महीने से उनको डायलिसिस थी, उनको यूरिन नहीं आ रहा था उनके हस्बैंड को, और जब उनका फ़ोन आया, सिर्फ 3 दिन हुए थे, उन्होंने ये बात बोली थी सबको कि मेरे हस्बैंड का कैंसर ठीक हो गया है, गुरुजी हमारे जीवन में आ गए हैं। उनको 3 महीने के बाद यूरिन भी पास हो गया, उनका डायलिसिस भी रुक गया और उनका कैंसर भी क्योर हो गया। तो ऐसे हमारे गुरुजी की पल में हमारा पासा पलट देते हैं जीवन का। क्यों ना हम फिर इनके शुक्राने करें, क्यों ना हम इनके गुणगान गाएं, क्यों ना इनकी हम उस्तत करें कि ऐसा गुरु वडभागी हमें मिल गया, मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। तो मैं तो बहुत भाग वाली हूँ, हम सब बहुत भाग वाले हैं कि हमारे जीवन में ऐसे गुरुजी आए हैं जहाँ कोई चढ़ावा नहीं है, जहाँ एक रुपया नहीं चढ़ाया जाता, निष्काम सेवा होती है और बहुत ही प्रेम उनको बस किया जाता है, प्यार दिया जाता है, और उस प्यार के बदले वो अपना सर्वस्व हमारे पे निछावर कर देते हैं। जीते जी उन्होंने हमारे बहुत कष्ट लिए हैं, जब वो गए तो उनके पैरों में इतने बड़े बड़े नील थे, इतना कैंसर उन्होंने लोगों का लिया, और आज भी, अब जब आप, मैं हमेशा अपने सत्संग में एक ही बात कहती हूँ, जब आप इस प्रसाद को, इस चाय को, इस जल प्रसाद को मना करते हो, सोचो कि हम यहाँ जब मत्था टेकते हैं तो गुरुजी हमारे सारे कष्ट हर लेते हैं। शिव ने जब विष पिया था तो दुनिया को अमृत पान कराया था, हमारे महाशिव ने सबका विष पिया, क्या विष है, हमारे बीमारियाँ, हमारे कष्ट, हमारी नेगेटिविटी, ये विष ही तो पी रहे हैं, और उसके बदले हमें अमृत दे रहे हैं वो। उन्होंने चाय प्रसाद को अमृत बोला, उन्होंने लंगर प्रसाद को अमृत बोला,
वो अमृत हमें मिल रहा है, और वो देवता ने हमारा विष पिया और उसके बदले हमें फ्री में अमृत मिल रहा है। इस अमृत को पीने के लिए देवी देवता करोड़ों वर्ष का तपस्या करते हैं, आज भी करते हैं। आपको पता है शिव पुराण में लिखा है पार्वती जी आज भी तपस्या करती हैं शिव जी के लिए, कहीं शिव जी उन्हें छोड़ के ना चल जाए जैसे एक बार छोड़ दिया था। क्यों? वो तो इस दुनिया के मालिक हैं, सृष्टि को उन्होंने रचा है, क्यों डर है पार्वती को कि मेरा मालिक मेरा पति मुझे ना छोड़ दे। हम अपने भगवान से नहीं डरते कि हमारा भगवान ना कहीं हमें छोड़ दे। और हमें तो उन्होंने तपस्या करने को भी नहीं कहा, घरों में हीटर लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, अब आराम से बैठो अपना, ना कहीं मंदिर जाना, ना कहीं जल चढ़ाना, यहीं बैठ जाओ सत्संग सुन लो, कर लो, भोग लगा दो, खा लो, तर गया, ये अमृत बन गया और घर बैठे आपको अमृत मिल रहा है, इसका शुक्राना किया करो बस। जय गुरु जी, शुक्राना।